कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जुबानी हमले किए। छत्तीसगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। राहुल ने एनआरसी और एनपीआर को देश के गरीबों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी है, समय बर्बाद किया जा रहा है। राहुल गांधी ने रायपुर में कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी अपना काम ठीक ढंग से कर नहीं पा रहे, इसकी वजह से देश में अशांति का माहौल पैदा हो रहा है। सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है। महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, महंगाई में इजाफा हो रहा है। अगर वे अपना काम ठीक ढंग से करते तो यह सब नहीं होता। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है, वह देश के लिए आंतरिक तौर पर घातक है। इससे देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है। देश का टाइम जाया किया जा रहा है। नोटबंदी की, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा निकाल दिया। 3,50,000 करोड़ रुपए सबसे अमीर 15 लोगों को दे दिए। मार्केट में से पूरा का पूरा पैसा निकल गया, उनके जेब में गया। कोई कुछ खरीद नहीं रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो गई। सिंपल इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। मगर ये प्रधानमंत्री को मतलब शायद समझ नहीं आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर वे पूरी तरह असफल साबित हो रहे हैं। जनता ने इनके दिखाए झूठे ख्वाबों को अब समझ लिया है और प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का भरोसा भी कमजोर हो रहा है। एनआरसी और एनपीआर जैसे बिल लाकर सरकार देश के गरीबों पर अत्याचार कर रही है। यह पूरी तौर पर दमनकारी नीति है। इसकी वजह से देश की गरीब जनता और ज्यादा तकलीफ से गुजर रही है। नोटबंदी ने गरीबों की कमर तोड़ कर रखी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।